नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल पर। और दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Redmi का Note 8 Pro और साथ में है अभी हाल ही में लॉन्च हुआ Realme का ये Realme X2। तो इस वीडियो के अंदर हम कराने वाले हैं दोनों ही मॉडल्स को कंपेयर और जानेंगे इनकी पूरी फीचर्स एंड डिटेल के बारे में। और बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये दोनों ही मॉडल्स अपनी कैमरा परफॉर्मेंस को लेकर। तो आखिर क्या कैमरा में ऐसा खास रहता है और क्यों पब्लिक इन्हें इतना ज़्यादा प्रेफर कर रही है, तो ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट देखते रहिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। ये फोन मुझे मिले हैं डीकेजी मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप इन्हें परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स मिल जाएंगे। और इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे, फटाफट इनका एक क्विक कंपैरिजन देखेंगे और एक क्विक कैमरा टेस्ट भी देखेंगे, क्योंकि यहां पर दोनों में ही आपको 64 मेगापिक्सल के सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से यह जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसकी क्वालिटी आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगी, क्योंकि में भी एक आपको बारीक डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना होगा क्योंकि यहां पर कैमरा लगभग सेम है, तो कीमत के हिसाब से कौन सा आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग फटाफट कराते हैं इसको कंपेयर और जानते हैं इनकी पूरी डिटेल्स। तो दोस्तों यहां पर आप हमारे सामने देख रहे हैं दो दिग्गज मॉडल, Redmi Note 8 Pro और साथ में है Realme का ये X2 मॉडल। अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है Realme X2 और लगभग Redmi Note 8 आपका लगभग एक से दो महीना पुराना है, लेकिन देखते हैं कि कहां पर स्टैंड करते हैं ये फीचर्स के मामले में। तो सबसे पहले यहां पर अगर आप बॉक्स की पैकिंग को अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सी लग रही है Redmi Note 8 की। बैक सेक्शन पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी है, जैसे कि 64 मेगापिक्सल का अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन कैमरा मिल जाता है, हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि आपका गेमिंग प्रोसेसर होता है, 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहता है और 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है जो कि 18 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आपकी आती है। बाकी डिटेल तो और भी काफ़ी सारी हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग इसे ओपन करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर Realme X2 की। तो यहाँ पर आपको सामने इसका कुछ सिग्नेचर फीचर, यानी कि यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का कैमरा, स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर, यानी कि यहाँ पर भी आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा और 30 वॉट की वो को 4.0 की चार्जिंग मिल जाती है, ये यहाँ पर मेंशन है। बैक सेक्शन पर यहां पर कोई भी डिटेल नहीं है और फोन्स को ऑलरेडी मैंने सेटअप करा कर रखा हुआ है, तो आप यहां पर सबसे पहले देख पा रहे होंगे इसके एक अलग से सेक्शन को। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर Redmi Note 8 में भी, ओपन कर लेते हैं इसको भी, देखते हैं अंदर क्या क्या रहता है। तो यहां पर भी आपका एक अलग से सेक्शन रहता है और आप देख पा रहे होंगे कि दोनों में ही आपको एक छोटे से बॉक्स दे रखे हैं। तो इनको निकाल लेते हैं बाहर, सबसे पहले Redmi Note 8 Pro को, और यहां पर इसे ओपन करते ही आपको सबसे पहले एक छोटी सी सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाएगी और साथ में रहता है ये कुछ पेपर वर्क वगैरह। तो पेपर वर्क तो आपके किसी काम का होता नहीं है, तो निकाल लेते हैं यहां पर केस कवर को जो कि थोड़ी सी यहां पर इंपॉर्टेंस रखेगा, लेकिन इसके बारे में अभी हम लोग फिलहाल बाद में ही बात करेंगे। उससे पहले निकाल लेते हैं यहां पर Realme को भी, और यहां पे एक छोटा सा इस बॉक्स के अंदर आपको दे रखा होता है ये केस कवर और साथ में रहता है ये कुछ पेपर वर्क। तो पेपर वर्क तो आपको किसी काम का है नहीं, तो यहां पर इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब बात करते हैं यहां पर दोनों के कवर्स के बारे में। तो दोस्तों यहां पर Redmi Note 8 के प्रो के मैंने काफी सारे जो है मॉडल्स को अनबॉक्स कराया है और वहां पर जो है ये हमें एकदम ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता था, लेकिन यहां पर ये जो ब्लैक कलर का मॉडल है यहां पर आपको जो है ये कवर भी थोड़ा सा ब्लैक कलर में ही देखने को मिल गया है। और अगर हम बात करें यहां पर Realme X2 की, तो यहां पर जो है आपको एक हल्का सा ब्लैकिश टाइप कवर देखने को मिला, यानी कि ये ब्लैक नहीं है, एक बस हल्का सा कलर यहां पर ब्लैक सा आपको लगेगा। तो क्वालिटी के मामले में तो ये एकदम मलाई ऐसा रहता है, कोई खास मुझे मजा आती नहीं है इसमें, लेकिन यहां पर Realme X2 की तरफ से आपको एक अच्छी खासी कवर की क्वालिटी देखने को मिल जाती है जो कि मुझे पसंद आई है। दोनों ही समय के साथ साथ पीले पड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो Note 8 Pro का है ये ऑलरेडी ब्लैक है, तो इसके पीला पड़ा भी तो हो सकता है आपको दिखाई ना पड़े, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं Realme X2 में आपको जब पीला पड़ेगा तो ये थोड़ा सा समझ में भी आएगा। तो फिलहाल इसे साइड में रख लेते हैं, फोन को भी निकालकर फिलहाल तो हम किनारे ही रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इनकी एसेसरीज के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है यहाँ पर। तो आप देख रहे होंगे दोनों में ही एकदम ट्रेडिशनल सा मेन्यू दे रखा है और सबसे पहले ये रहता है चार्जर आपका दोनों में ही। और बात करेंगे इनकी आउटपुट रेटिंग के बारे में, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट 3 एम्पीयर 9 वोल्ट 2 एम्पीयर और 12 वोल्ट 1.5 एम्पीयर की आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाती है यहाँ पर MI में। तो दोस्तों एक तरीके से यहाँ पर ये 18 वॉट का फास्ट चार्जर रहता है, और अगर हम बात करें यहाँ पर इस वो को 4.0 की टेक्नोलॉजी वाले इस वो चार्जर की, तो यहाँ पर जो आपको आउटपुट रेटिंग देखने को मिलती है वो रहती है आपकी 5 वोल्ट 2 एम्पीयर की और 5 वोल्ट 6 मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पर ये जो रहता है आपका 30 वॉट का फास्ट चार्जर हो जाता है। अगर हम इन चार्जर्स को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो का चार्जर है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप चार्जर को देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा
बेहतरीन सा रहता है ये चार्जर, तो फिलहाल इन्हें साइड में रख लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो आपको कॉर्ड देखने को मिल जाती है कि उसमें क्या क्या खास रहता है आपका, तो यहाँ पर दोनों में ही आपको टाइप सी यूएसबी केबल देखने को मिल जाती है जो कि आपकी ठीक ठाक रहेगी। लेकिन क्वालिटी की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर रियलमी की तरफ से आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो कॉर्ड की मोटाई है वो आपको बहुत ही ज़्यादा दे रखी है रेडमी की अपेक्षा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वालिटी के मामले में दोनों ही बेटर है, लेकिन रियलमी मुझे थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा है। और दोस्तों यहाँ पर रियलमी में ये अंदर की तरफ आपको एक छोटी सी जो है सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है, जैसे कि मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूँ। तो दोस्तों ये बेसिक सा मेन्यू रहता है इनबॉक्सेस का। फिलहाल हम लोग फटाफट इस सामान को साइड में करा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं इस फोन के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों ही फोन्स को करा लिया है सेटअप। अगर आप सबसे पहले देख पा रहे होंगे इनकी स्क्रीन को, तो लगभग आपको बराबर साइज़ की लगेंगी, लेकिन थोड़ी सी रेडमी नोट 8 की आपको थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन नज़र आएगी। और बात करें अगर इनके साइज़ की, तो सबसे पहले रेडमी नोट 8 में आपको 6.53 इंचेस की फुल HD प्लस IPS पैनल बेस्ड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। वहीं यहाँ पर रियलमी आपको जो देता है वो रहती है 6.40 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले। यानी कि यहाँ पर साइज़ के साथ साथ इनकी क्वालिटी में थोड़ा सा अंतर चला जाता है। यहाँ पर नोट 8 में आपको IPS पैनल देखने को मिलेगा, वहीं यहाँ पर रियलमी की तरफ से आपको सुपर AMOLED डिस्प्ले मिल जाती है। तो ये बेसिक सा अंतर रहेगा इसके में, जो कि थोड़ा सा मायने रखेगा। ऊपर की तरफ दोनों में ही आपको सेल्फी कैमराज देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पर भी आपको एक अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि Redmi Note 8 में ये आपको 20 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा इसमें, और Realme X2 में आपको 32 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों एक ये भी एक हल्का सा अंतर है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट स्कैनर को, तो यहाँ पर Realme X2 में ये आपका सामने की तरफ दे रखा है, यानी कि इन डिस्प्ले रहता है, वहीं Redmi Note 8 में ये चीज़ आपको पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल हम लोग बात करेंगे इसके बारे में बाद में, लेकिन यहाँ पर साइड की अगर बात करी जाए तो दोनों में ही आपको पावर बटन्स देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पर Redmi Note 8 में आपको वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि यहाँ पर आपके दूसरे तरफ रहते हैं। तो बात करते हैं Redmi Note 8 के भी दूसरे साइड की, तो यहाँ पर आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं, जो कि Realme X2 में भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोनों में ही आप दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अपर सेक्शन की बात करी जाए तो यहाँ पर दोनों में ही आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएंगे नॉइस कैंसिलेशन के लिए। और नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक चीज एडिशनल दे रखी है Redmi Note 8 में, वो रहता है आपका IR सेंसर, यानी कि आपको यहाँ पर रिमोट कंट्रोल के लिए एक IR सेंसर दे रखा होता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा यहाँ पर अपनी। दोनों में ही आपको जो है ऑडियो जैक, माइक और स्पीकर ग्रिल दे रखी है, और दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग के साथ टाइप सी यूएसबी पोर्ट भी दे रखे होते हैं। तो ये भी चीज एक अच्छी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अब बात करते हैं इन दोनों के ही सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, यानी कि इनके बैक सेक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से लग रहे हैं दोनों के ही। और दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, चूंकि मैंने यहाँ पर Redmi Note 8 Pro को अलग अलग कलर्स में भी अनबॉक्स कराया है, और यहाँ पर अगर हम बात करें Realme X2 की, तो यहाँ पर एकदम जो है ये डिफरेंट कलर में हमारे पास अभी फिलहाल है। और अगर हम यहाँ पर देखें इनके कैमरा सेटअप्स को, तो दोनों में ही आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और दोनों में ही आपको जो कैमरा स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी वो लगभग बराबर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही प्राइमरी कैमरा आपको 64 megapixel के दे रखे हैं, और साथ में आपको वाइड एंगल 8 megapixel का, और साथ में डेप्थ सेंसिंग 2 megapixel की, और 2 megapixel के आपको माइक्रो लेंसेज देखने को मिल जाते हैं। यानी कि कैमरा के नाम पर दोनों में ही 64+8+2+2 megapixel के कैमराज देखने को मिलते हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। और यहाँ पर ये रहता है आपका LED फ्लैश, और यहाँ पर नीचे की तरफ आपको दोनों में ही ब्रांडिंग्स देखने को मिल जाएगी। लुक की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी जगह पर। और अगर आप जो है Redmi Note 8 को अदर कलर्स में देखेंगे, तो उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, और खासतौर पर वाइट कलर में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और Realme X2 की अगर बात करें, तो यहाँ पर भी एकदम डिफरेंट कलर में रहता है, तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो ग्रीन लुक एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। फिलहाल अभी फटाफट चलते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर, बात करेंगे इनके इंटरनल स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगी यहाँ पर। तो फिलहाल चलते हैं दोनों की ही सेटिंग्स में, और बात करते हैं जाकर इनके अबाउट फोन सेक्शन की। तो दोस्तों यहाँ पर ये रहा हमारा MI में माई डिवाइस सेक्शन, और यहाँ पर ये रहा इसका अबाउट फोन सेक्शन। यहाँ पर स्क्रीन में आपको एक हल्का सा अंतर देखने को मिलेगा, जो कि इनकी ब्राइटनेस में यकीनन होता भी है। हालांकि यहाँ पर ब्राइटनेस भी मैंने ऊपर नीचे कर रखी है, लेकिन अगर आप मेरे व्यूज़ पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं सुपर AMOLED का एक्सपीरियंस आपको ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, फिलहाल मैं इसकी भी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, ताकि आप जो है इसे अच्छी तरीके से देख पाएँ। यहाँ पर मॉडल वगैरह की डिटेल दे रखी है। UI की अगर बात करें, तो यहाँ पर आपको Redmi Note 8 में MIUI 10 देखने को मिलता है बाय डिफॉल्ट, और आप इसे आगे भी अपग्रेड कर सकते हैं 11 में। और Realme X2 में आपको देखने को मिल जाता है ColorOS वर्जन 6, जिसे आप आगे भी अपग्रेड कर पाएंगे। और एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, तो दोनों में ही आपको जो है 9 Pie देखने को मिल जाएगा, जो कि फिलहाल अपग्रेडेड वर्जन रहता है यहाँ पर एंड्रॉइड का। तो ये तो एकदम जो है आपका सटीक रहेगा। प्रोसेसर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है अपनी। प्रोसेसर दोनों में ही आपको गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिले हैं यहाँ पर, अगर हम Redmi Note 8 Pro की बात
करें तो यहाँ पर आपको हीलियो G90T प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, और अगर हम बात करें रियलमी X2 की तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 730G प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस तो आपको दोनों की तरफ से बेहतरीन देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरनल स्पेसिफिकेशन यानी कि स्टोरेज की, तो ये आपको अलग अलग वेरियंट्स में दोनों में ही देखने को मिल जाएंगे, तो इन्हें आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी कुछ इन्फॉर्मेशन है। सिक्योरिटी पैचेस की बात करें तो यहाँ पर नोट 8 प्रो में आपको जो है सेप्टेम्बर के हिसाब से, और वहीं यहाँ पर X2 में आपको जो है नवंबर के हिसाब से अपग्रेड देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो फिलहाल आप बाद में भी अपने हिसाब से अपग्रेड कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं इनके कैमरा की तरफ और बात करते हैं नॉर्मल मोड पर एक इनकी फोटोज के बारे में। तो फटाफट कर लेते हैं एक फोटो को क्लिक और देखेंगे कि क्या रहती है इनकी परफॉर्मेंस। तो दोस्तों यहाँ पर सेम एंगल पर हैं और ब्राइटनेस को यहाँ पर मैं फुल करा लेता हूँ ताकि आप जो है किसी भी तरीके का मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए, ताकि आप जो है एकदम ओरिजिनल क्वालिटी को आप यहाँ पर देख पाएं। तो दोस्तों दोनों की ही ब्राइटनेस यहाँ पर फुल है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसकी इमेजेस को तो आपको दोनों ही लगभग सेम लग रही होंगी, और वाकई वो हैं भी, और यहाँ पर जूमिंग क्वालिटी भी आपको लगभग दोनों में ही सेम देखने को मिल जाएगी। काफी ज्यादा पसंद आएगी आपको यहां पर दोनों की ही इमेज। अगर आप देखेंगे शार्पनेस दोनों ही बहुत ही अच्छी मेंटेन कर रहे हैं, कलर कंट्रास्ट भी बहुत ही प्यारा सा आ रहा है। तो यहां पर कैमरा में तो एकदम ये समझ सकते हैं कि आप बराबरी की टक्कर रहती है। लेकिन फिलहाल अभी हम ये नॉर्मल मोड पर मैंने फोटो को क्लिक किया था, अभी हम यहां पर अल्ट्रा 64 मेगापिक्सल पर जाते हैं और यहां पर इसको भी 64 मेगापिक्सल पर क्लिक कर लेते हैं और फटाफट करते हैं एक फोटो को क्लिक। तो अब देखेंगे यहां पर इसकी जूमिंग क्वालिटी की परफॉर्मेंस की क्या रहती है। तो दोनों को जूम कराते हैं और एकदम जो है आप देख सकते हैं कि एक एक पिक्सल खुल के आ रहा है। यहां पर आपको जूमिंग क्वालिटी की तरफ से कोई कमी देखने को नहीं मिलने वाली है। तो आपको मेरे ख्याल से तो यहाँ पर कैमरा तो एकदम जो है बराबर की टक्कर दे रहे हैं। तो कोई भी आप यहाँ पर कैमरे के मामले में परचेज़ कर सकते हैं, दोनों ही आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरा के मामले में तो मैं यही कहूँगा कि एकदम मिला जुला रिव्यू रहता है यहाँ पर प्राइमरी कैमरा के मामले में। दोनों में ही आपको माइक्रो लेंसेज भी देखने को मिल जाएंगे जिनका आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल चलते हैं इनके सेल्फी कैमरा की तरफ और बात करें यहाँ पर सेल्फी की, तो फटाफट कर लेते हैं एक फोटो को क्लिक। तो दोनों से ही मैंने यहाँ पर फोटोज़ को क्लिक कर लिया है और अगर हम यहाँ पर देखें इनकी क्वालिटीज़ को, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा में तो एक हालांकि अंतर आपको देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर Redmi Note 8 में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा था और यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा दे रखा था। तो जूमिंग क्वालिटी में तो आपको एक अंतर देखने को मिल गया है, लेकिन शार्पनेस अगर देखी जाए पिक्चर की, तो मुझे ऐसा लगता है कि Redmi Note 8 ज़्यादा अच्छी मेंटेन करता है। कलर कॉन्ट्रास्ट आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा Realme की अपेक्षा। कलर्स बहुत ही ज़्यादा खुलकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं Realme के कलर्स उतना ज़्यादा आपको पसंद नहीं आएंगे। तो एक ये बेसिक सा अंतर आ जाता है, यहां पर आपको थोड़ा सा इस चीज को गौर करना होगा। जूमिंग क्वालिटी तो यहां पर आपको मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं शार्पनेस रियलमी में थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है। हालांकि बुरा नहीं है, मुझे तो पर्सनली पसंद आया है, लेकिन आपके अगर आप व्यूज देखे जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि रेडमी नोट 8 थोड़ा सा बेहतरीन परफॉर्मेंस करता हुआ आपको यहां पर नजर आएगा। फिलहाल चलते हैं इनके एक अनबेस्ड कंपैरिजन की तरफ, यानी कि यहां पर आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दे रखा होता है। तो यहां पर हालांकि कोई कंपैरिजन बनता नहीं है क्योंकि इन डिस्प्ले है और एक में बैक पर, तो एक बार फिर भी करके देख लेते हैं कि कौन ज्यादा यहां पर बेहतर रहेगा। तो दोस्तों यहां पर जैसे ही लगाते हैं तो लगभग साथ में ओपन होते हैं और यहां पर सिचुएशन का बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। तो आप इस कंपैरिजन पे तो थोड़ा सा ना ही जाइएगा, लेकिन फिर भी एक बार करके देखते हैं। और जैसे ही यहां पर मैं लगाता हूं तो लगभग साथ ओपन होते हैं और इन डिस्प्ले होने के बाद भी रियलमी X2 बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है यहां पर। तो एक बार फाइनल ट्राई करके देख लेते हैं कि कौन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं फाइनली यहां पर लगाता हूं तो मुझे लगभग साथ में ओपन होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन डिस्प्ले में मुझे Realme की X2 की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है और यहाँ पर इसका रियर भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि दोनों ही अपनी जगह एकदम बेस्ट रहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर इसके फेस अनलॉक के बारे में। तो दोस्तों जैसे ही ओपन करा के अपनी तरफ लाते हैं तो कहीं ना कहीं Realme X2 थोड़ा सा फास्ट आपको देखने में लग जाएगा। तो एक बार फिर से इस चीज़ को ट्राई करते हैं तो आपकी बार लगभग साथ में ओपन होते हैं, फाइनल ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है Realme X2 थोड़ा सा फास्ट यहाँ पर आपको देखने में लगेगा। तो फिलहाल देखते हैं इनके कुछ पिक्चर सैंपल्स, उसके बाद बात करेंगे कि दोनों में से कौन सा फोन आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा।
तो दोस्तों यहां पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स। अगर हम यहां पर बात करें इनकी ओवरऑल क्वालिटी के बारे में, यानी कि इनके प्राइमरी कैमरा की क्वालिटी के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की लगभग इक्वल रहती है। क्योंकि अगर हम बात करें यहां पर रियलमी की कीमत थोड़ी सी आपकी ज़्यादा रहती है नोट 8 की अपेक्षा, तो ऐसे में थोड़ा सा आपको अंतर देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है कि रियलमी का कैमरा ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके नोट 8 प्रो को देखते हुए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंसर्स लगभग सेम काम कर रहे हैं और 19-20 का अगर अंतर छोड़ दिया जाए तो दोनों ही इक्वल रहेंगे। सेल्फी कैमरा के मामले में आपको एक हल्का सा डिफरेंस देखने को मिला होगा, जो कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है सिचुएशन का भी अंतर होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोनों ही इक्वल रहते हैं। वो तो आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। स्क्रीन में आपको एक बड़ा अंतर देखने को मिला है आईपीएस पैनल और सुपर एमोलेड में, तो स्क्रीन की आप परफॉर्मेंस तो आपको रियलमी में कहीं ज्यादा बेहतर देखने को मिल जाएगी नोट 8 के हिसाब से, क्योंकि यहां पर सुपर एमोलेड है और उसकी क्वालिटी का तो खैर कोई जवाब नहीं होता। तो नोट 8 यहां पर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, अदरवाइज सब कुछ एकदम ठीक रहता है। और इन डिस्प्ले आपको यहां पर एडिशनल मिल जाता है, यानी कि जो पैसे आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसमें आपको सुपर एमोलेड और इन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, और वही यहां पर दोनों मिसिंग रहता है। अगर ये दोनों चीजें इसमें आ जाती तो इसमें अंतर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता। गेमिंग प्रोसेसर दोनों में ही है, यानी कि परफॉर्मेंस आपको दोनों में ही अच्छी देखने को मिलने वाली है, तो इस चीज को आप जो है दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो यहां पर आपको अपनी जरूरतों को देखना होगा, उसके बाद ही आप उसे परचेस करिएगा। और अगर आपका बजट कम है और एक बेहतरीन कैमरा चाहते हैं तो फिर आप इसमें जाइएगा, और बजट ज्यादा है और स्क्रीन क्वालिटी वगैरह अच्छी चाहते हैं तो फिर इसमें जाइएगा। चार्जिंग की कैपेसिटी में एक बारीक सा अंतर है, ये चीज आपको देखनी होगी। यहां पर आपको 30 वॉट का चार्जर दे रखा होता है रियलमी में, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ 18 वॉट का दे रखा होता है, तो यहां पर चार्जिंग की परफॉर्मेंस आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी इस फोन के साथ। लेकिन यहां पर चार्जिंग परफॉर्मेंस हालांकि फास्ट चार्जिंग रहेगी, अच्छा रहेगा, थोड़ा सा बस आपको हल्का सा ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, जो कि खैर उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन इसकी कंपैरिजन में मायने रखेगा यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से मेरे व्यूज तो आपने समझ लिए होंगे, बड़े ही मिले जुले थे, लेकिन अगर मेरे हिसाब से प्रेफर करने की बात है तो मैं कीमत को देखते हुए इसे प्रेफर करूंगा और फीचर को देखते हुए इसे प्रेफर करूंगा। तो आपको देखना होगा कि आपको फीचर चाहिए या आपको अपनी जेब पर थोड़ा सा ध्यान देना है, तो उसी हिसाब से आप डिसीजन लीजिएगा। तो आपको इन दोनों में से कौन से फोन पसंद आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।